मेरे अहो भाग्य जो आपने मुझे दर्शन दिए मैं तो धन्य हो चुका हूँ। सारी पर्दा लुट गई और तुम्हें कुछ भी खबर नहीं। आपके गंगा पार के इलाके में राक्षसों ने उत्पात मचा रखा है, ऋषियों का वध किया जा रहा है। राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ मुझे कष्ट निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से उकताया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहायता यादो पदार्थ मैं तुमसे लेने आया हूँ। मुनि जी सुनाई ये क्या दास्तां बचाओ, राक्षसों से दुखी बच बचाओ, आ गए ये गुरु जी अच्छा हुआ, आ गए ये गुरु जी अच्छा हुआ, उनको खुद ही उन्होंने संवारा दिया। अच्छा हुआ गुरुजी जो आप आ गए हैं, और मैं शीघ्र ही उन पर चढ़ाई करता हूँ। मुनि जी आपके देखते ही देखते मैं उन सब पापियों को नष्ट कर दूंगा। मंत्री जी सेना की तैयारी की जाए। आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो। मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता। उन दुष्टों को समाप्त करने के लिए राम लक्ष्मण ही काफी है। चार पुत्र चौथे पन में, चार पुत्र चौथे पन में, बड़े कष्टों से पाए हैं, बड़े कष्टों से मैंने पाए हैं। बिना बेचारे मुनि जी यहाँ कैसे साथ निकाले सत्य है, परंतु राम और लक्ष्मण अभी नादान है, न तो उनको अभी युद्ध का कुछ भी ज्ञान है। मैं अपने दोनों राजकुमारों को कदापि नहीं भेज सकता हूं। मैं स्वयं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। राजन, आपके शब्दों से तो काया का झलकती है और आप व्यर्थ की बातें मनाकर समय को गंवा रहे हैं। यदि आप दे सकते हो तो राम लक्ष्मण को दो, अन्यथा मुझे आपकी सेवा की जरूरत नहीं है। ठहरिए महाराज, जैसी आज्ञा गुरु जी की, ईश्वर तुम्हें ही रक्षक हो। मंत्री जी, महाराज बेटा राम और लक्ष्मण को बुलाया जाए, जो आज्ञा हो महाराज। आयुष्मान गुरु जी की सिखावन चलना, हाँ गुरु हंसों की जोड़ी आपके साथ भेज रहा हूं, इनको संभाल कर रखना। काम बने जब आपका, दीजो जल्द लौटाए। जैसे इनको ले चले वैसे दियो पहुंचाए। आयुष्मान आयुष्मान